जी आनंद के आनंद भयो, देश भर में कान्हा के स्वागत के लिए, जन्म के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। गोविंदाओं की टोली मटकी फोड़ रही है। कृष्ण नगरी मथुरा वृंदावन में गजब की रौनक है। दुनिया भर से लोग यहां पहुंचते हैं जन्माष्टमी की इन खूबसूरत तस्वीरों को देखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मथुरा और वृंदावन में ये रौनक है, बल्कि देश के कुछ और हिस्सों से भी जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, चाहे गोरखपुर हो, दिल्ली की तस्वीर हो, मुंबई, जमशेदपुर, मुरादाबाद, हर जगह कृष्ण भक्त उमड़ पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में आपको गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, जो मंदिर में, गोरखपुर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं रौनक मुरादाबाद और जमशेदपुर में भी कम नहीं। दिल्ली और मुंबई के मंदिरों में लंबी कतारों में भक्त पहुंचने शुरू हो गए थे। लेकिन ये देखिए, ये जन्मस्थली मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और कल से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। यूं तो मथुरा वृंदावन में साल भर भक्त यूं ही उमड़ते रहते हैं, लेकिन क्योंकि जन्माष्टमी है, मथुरा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन आइए अब आपको ले चलते हैं दादर, जहां से हमारे संवाददाता मयूरेश गणपते इस वक्त मौजूद हैं। अब मयूरेश, आप तो वहां पर मौजूद हैं, और दादर से कुछ वक्त पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी जहां पर दही हांडी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां निकली थी। अभी क्या वहां पर हो रहा है और किस तरह की रौनक है? जी बिल्कुल, आज पूरे दिन जो है वो दादर के इस आइडियल दही हंडी जो है, जो बहुत पुरानी दही हंडी मानी जाती है, वहां पे गोविंदा पथक जो है या गोविंदाओं की जो टोली है वो हर समय आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सी टीम्स जो है वो गोविंदा की आ चुकी है, कुछ जो है वो दही हांडी तोड़ के वापस भी चले गए। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवांगी भी है जो सुबह से यहाँ पे थी। शिवांगी, क्या यहाँ पे हो रहा है सुबह से, क्या क्या आपने देखा? हमने सुना था यहाँ पे महिला पथक भी गोविंदा का आया था। बिल्कुल, जिस जगह हम मयूरेश खड़े हैं यहाँ से ठीक पीछे, अभी कुछ समय पहले ही मीनाक्षी, हमने देखा कि जो महिला पथक है वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने दही हांडी फोड़ने की कोशिश की। कई बार उन्होंने कोशिश की मयूरेश, और आखिर में एक नीले रंग का दल जो था वो आया, उन्होंने जो दही हांडी है वो तोड़ी। इसके अलावा मीनाक्षी, इस बार खास बात देखने को ये मिली कि मुंबई पुलिस की जो महिला सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर सिक्योरिटी देती नजर आई। और साथ ही साथ मयूरेश, जैसा हम जानते हैं कि अगले साल यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शंस की तैयारी यहाँ पर नजर आई है। एक बार हम यहाँ पर फिर कैमरा पैन करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से शिवसेना हो चाहे बीजेपी हो, सबने अपनी अपनी दही हांडी लगाई थी यहाँ पर। और आइडियल की जो दही हांडी है वो काफी फेमस है, दादर में हर साल की जाती है, बहुत पुरानी है, और इस बार भी दही हांडी का रंग जो था यहाँ पर उसी तरह का था। और पहले पुरुषों ने दही हांडी फोड़ी, उन्होंने बाजी मारी, और उसके बाद जो महिलाओं की दही हांडी थी उसको तोड़ा गया। और कुल मिलाकर शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर हम कहें तो महिलाओं की और पुरुषों की जो दही हांडी थी उसको खत्म किया गया। बिल्कुल ऐसा ही माहौल मुंबई के सटे इलाकों में ही रहेगा, थाना में। और हमने ये भी देखा है कि मुंबई के बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पे पॉलिटिकल दही हांडी जो बात करी थी शिवांगी, तो वहां पे बड़े बड़े इनाम रखे गए, 1 लाख 11 लाख ऐसे बड़े बड़े इनाम रखे गए। तो ये सब दही हांडी पथक जो है, गोविंदा जो है, वो हर उस इलाके में जाके वो दही हांडी तोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि उन्हें तो जो रिवॉर्ड है वो भी मिले, और कहीं ना कहीं ये जो उत्साह है वो भी बहुत अच्छा है। एक बार आपको वापस दिखाऊंगा, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बार कहा था कि मैट्स होने चाहिए, सेफ्टी के हेलमेट होने चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे मैट्स रखे गए हैं, उसी मैट के ऊपर जो है वो गोविंदा पथकों को दही हंडी अपना जो ह्यूमन पिरामिड है वो कंस्ट्रक्ट करना है, और जो सबसे ऊपर बंदा जाएगा वो जो है वो हेलमेट पहनना जरूरी है। बैक टू यू जी मयूरेश, और जो तस्वीरें आपके कैमरे के जरिए हम देख रहे हैं ये भी बहुत दिलचस्प है तस्वीरें, क्योंकि उत्सव है, महापर्व है, लेकिन कैसे त्योहारों का कमर्शलाइजेशन भी धीरे धीरे होता जा रहा है, ये भी एक झलक अपने आप में, क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट के पुरस्कार यहाँ रखे जाते हैं। और दही हांडी जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं, खुद भगवान कृष्ण दही हांडी फोड़ा करते थे, माखन चुराया करते थे, इसलिए माखन चोर भी उन्हें कहा जाता है, गोपाल, गोविंद, ना जाने कितने नाम। और ये देखिए, ये वो दही हांडी लटक रही है। चुनौती हर बार यही होती है कितनी ऊंची इसे लटकाया जाए और कौन सा गोविंदा इसको तोड़ पाने में कामयाब होगा। हालांकि अब कोई एक गोविंदा नहीं होता, पूरी टीम इसके लिए काम करती है और फिर पुरस्कार भी लेकर जाती है। कमलेश सुतार इस वक्त हमारे साथ थाने से मौजूद हैं। कमलेश, अब आपके पास आ रहे हैं, तो किस तरह की तस्वीर आप हमारे लिए लेकर आए हैं थाने से? हाँ जी, पिछले कुछ सालों पहले महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदा को, दही हांडी को एक खेल का दर्जा दिया, और इसी तर्ज पर इस साल थाने में हम आपको दिखा दें प्रो गोविंदा के तौर पर, जिस तरह से एक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन यहाँ पर हो रहा है,
जहाँ पर जो गोविंदा है ये पिरामिड रचेंगे और इसी जगह पर हम आपको बता देंगे पिछले पिछले साल यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया था और इसीलिए इस साल भी मंडल कोशिश करेंगे कि इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। अलग अलग मंडल इसमें शामिल होंगे और जिस तरह से मयूरेश हमें बता रहे थे किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के लिए यहाँ पर मैट रचे गए हैं नीचे और जो ऊपर चढ़ने वाला जो गोविंदा होता है उसको यहाँ पर सिक्योरिटी के जो भी गेयर्स दिए जाएंगे, हेलमेट दिया जाएगा, एल्बो गार्ड्स हो, नी गार्ड्स हो, ये सब लेकर ही गोविंदा ऊपर चढ़े। देख सकते कितने मंडल इस कंपटीशन में शरीक होने के लिए इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं और न सिर्फ लड़के बल्कि अगर हम आपको दिखाएं लड़कियों के भी मंडल यहाँ पर गोविंदा मंडल बड़े पैमाने पर यहाँ पर शामिल होंगे। लड़कियों का जो उत्साह है वो भी इसमें काफी देखने लायक होता है। आप देख सकते हैं लड़कियों का मंडल गोविंदा मंडल शरीक होने को आप देख सकते हैं। अगर मैं दिखा सकूं कैमरामैन वैभव आपको दिखाएंगे अपने बच्चे को साथ में लेकर भी आने वाले गोविंदा, यहाँ पर एक महिला आप देख सकते हैं बच्चे के साथ में आई हुई है यहाँ पर और इस पूरे गोविंदा के उत्सव में दहीहांडी के उत्सव में शरीक होकर उत्साह देखते ही बनता है। हम देखेंगे इतने सारे मंडल यहाँ पर आए, अपनी अपनी बारी आएंगी, अपने अपने बारी के साथ यहाँ पर पिरामिड्स रचेंगे, 6 स्तर का हो, 7 स्तर का, 8 स्तर का, 9 स्तर का यहाँ पर गिनीज रिकॉर्ड यहाँ पर लगाया गया है। देखो यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश आपके कैमरे से कमलेश हम देख पा रहे हैं। जी ये देखिए ये पिरामिड बनता जा रहा है धीरे धीरे ऊपर और ये लड़कियों का मंडल है जो गोविंदाओं की टोली लड़कियों ने बनाई है और इनकी कोशिश है दही हांडी फोड़ने की। तो यूं तो कान्हा मटकी फोड़ा करते थे कि जो माखन है वो कंस की नगरी मथुरा तक ना जाए और वृंदावन में ही रहे, जो मेहनत करते हैं ग्वाले उनका माखन उनके पास तक रहे, तो इस मकसद से वो मटकी फोड़ी जाती थी। लेकिन अब बदलते दौर में त्यौहार का स्वरूप भी बदलता हुआ, लेकिन कम से कम इसी बहाने लोग मिलते हैं, आपस में इकट्ठा होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और ये एक झलक इस उत्सव की आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब दिलचस्प देखना ये होगा कि ये पिरामिड क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है या नहीं, लेकिन वहां पर लोग उत्साहित करते हुए लड़कियों की इस मंडली को। और जो भी टोली इस दही हांडी को फोड़ने में कामयाब हो पाएगी वो भी पुरस्कार हासिल कर पाएगी। कमलेश अब ये तस्वीरें आपके कैमरे से हम देख तो रहे हैं लगातार, आप तो वहां मौजूद हैं, क्या लग रहा है मटकी फूटेगी या नहीं? किस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरह टीम एफर्ट्स होता है उस पर डिपेंड करता है। और एक बात आपको बता दें कि आमतौर पर माना जाता है कि दही हांडी के दिन बारिश होती है और बारिश भी नहीं हुई तो देखने वाले आमतौर पर इन गोविंदाओं पर पानी फेंकते हैं उनका अटेंशन एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जो मंडल इन सब चीज़ों में कामयाब होता है वही हांडी तोड़ने में कामयाब होता है, इसीलिए देखना पड़ेगा किस तरह के एफर्ट्स और कोऑर्डिनेशन ये टीम लेती है, उसी पर निर्भर करता है ये टीम हांडी तोड़ पाएगी या नहीं। बिल्कुल, और जैसे नजरें आपकी इस पर लगातार लगी हुई है कि हांडी फूटेगी या नहीं, ऐसे ही यहाँ पर टेलीविजन के जरिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं जरूर उनके मन में भी ये सवाल होगा। लेकिन देखिए इस टोली को देखकर ये यहाँ पर मटकी फूट गई, मटकी तक पहुंच पाने में लड़कियां कामयाब रहीं। ये देखिए ये क्लोज कैमरा से आप ये तस्वीर देख रहे हैं और यही इस खेल को लेकर रोमांच भी होता है। देखिए जहां भी आपके मुंडेरों पर या जो बालकनीज हैं उन पर नजर जाएगी बाहर तक लोग खड़े हैं और दूर दूर तक भीड़ है इस त्योहार को, इस उत्सव को और इस लम्हे को इंजॉय करने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। तो ये तस्वीरें तो हम आपको थाने से दिखा रहे थे, आइए अब आपको भांडुप ले चलते हैं। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख वहां पर मौजूद हैं। मुस्तफा यहाँ थाने की जो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई यहाँ पर तो लड़कियों की टोली ने बाजी मार ली और मटकी फोड़ दी, क्या हो रहा है भांडुप में? मुस्तफा आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी आवाज पहुंच रही है।
दिखाएं, भांडुप की तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेन यहाँ पर लाया गया था जिस पर ये मटकी इस वक्त बांध रहे हैं। आप अगर ये विजुअल्स देख पा रहे हैं तो ये मटकी अब ऊपर ली जाएगी, यहाँ पर भी महिला पतक, और आप देख पा रहे हैं कि बाकी जो मंडल है वो यहाँ पर मौजूद थे। और ये जो मटकी लगातार खोलने का सिलसिला चालू है, बीजेपी के सांसद जो है किरीट सुमैया, उन्होंने कुछ देर पहले इसी स्पॉट पर हंडी पोल कर ये पूरे नियोजन का जो पूरे आयोजन का जो शुरुआत है वो किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेन रोड है, लेकिन वहां पर से भी देख पाएंगे कि लोग यहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त किरीट सुमैया से हम बात करना चाहेंगे। सर, आपने दही हंडी फोड़ दी, किरीट सुमैया रुके नहीं, चले गए, तो फिलहाल हम आपको यही दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पर आप जैसे थाने में है वहीं पर रोड पर यहाँ पर आप क्रेन लगाकर जैसे हो सके लोग यहाँ पर अपनी खुशियां मनाने की कोशिश कर रहे हैं दही हंडी की, और पूरे उत्साह से मना रहे हैं, पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर के यहाँ पर बच्चे जो मौजूद हैं छोटे छोटे, देखिए एक अगर आप देख पा रहे हैं तो पिंक कैप में यहाँ पर एक बच्चा मौजूद है जो कि गोविंदा माना जाता है, जो ऊपर चढ़कर हंडी फोड़ता है, उस पर सेफ्टी मेजर्स के लिए कैप पहनाया गया है और एक सेफ्टी गेयर भी उसने अपने ऊपर पहना हुआ। तो ये सारे प्रिवेंशन से साथ आप कह सकते हैं कि एक सुरक्षित दही हंडी का आयोजन यहाँ पर किया गया है, और ऐसे ही कामना करेंगे पूरी मुंबई में, पूरे देश में जहाँ पर ये दही हंडी का महोत्सव मनाया जा रहा है ऐसे ही सेफ्टी का ख्याल रखते हुए मनाया जाए। बिल्कुल, सेफ्टी की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये खेल किया जाता है उसमें चोट लगने के बहुत ज़्यादा आसार होते हैं, और बीते दौर में कई घटनाएं भी ऐसी हमने देखी हैं। लेकिन ये हमने आपको महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखाई, अब आगे बारी होगी दिल्ली की। देश की राजधानी में कैसे जन्माष्टमी की रौनक दिखाई दे रही है और मंदिरों में किस तरह की सजावट है, कैसे भगवान को रिझाया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां कैसे हो रही हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा। संभवामी युगे युगे, यानी कि युग युग में श्री कृष्ण का अवतरण होता है, और उसी अवतरण को महसूस करने के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पर्व पर हजारों की संख्या में भक्त इस्कॉन मंदिर में इस समय अपने श्री भगवान के प्राकट्य का इंतजार कर रहे हैं। वो श्री भगवान जो कि अजन्मे हैं, जो कि जन्म के तमाम उन बंधनों से परे हैं, उनका जन्म होने जा रहा है। आज रात्रि 12 बजे इस्कॉन मंदिर में मौजूद हजारों भक्त अपने हृदय में भक्ति लिए, ओठों पर प्रार्थना लिए, लगातार उस पावन क्षण का, उस चमत्कारिक क्षण का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, जिस समय रात में जो इस पूरे चराचर जगत का पिता है, जो इस जगत का बाप है, वो जब नंद और यशोदा का बेटा बनकर के आएगा, जो इस जगत को चलाता है वो इस जगत में ग्वाला बनकर के आएगा। तो ऐसे में हजारों भक्त कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर संकीर्तन करते हुए। कैमरामैन सतविंदर के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।